हथौड़ी से मार मार के तोड़ना है और शीशा निकालना है। ओह शिट, ये तो टूट। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र सिंह अरोड़ा और टीएनटी हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लेके आए हैं इंडक्शन कुकटॉप, और इस इंडक्शन कुकटॉप में मैंने चेंज किया है कांच। ये आपको नजर आ रहा है कांच, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी चेंज किया है। इसका कांच जो है बीच में से फूट गया था, जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, इस तरह से था पहले, और अब हमने जो है इसे चेंज करने के बाद में इसमें कांच इस तरह से हमने लगाया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर अगर शीशा फूट जाता है तो आप उस शीशे को कैसे फिक्स कर सकते हैं, वो शीशा कौन सा होता है, कौन सा कांच होता है जो आप इस पर लगा सकते हैं, और उसे फिक्स करने का क्या तरीका है, और टूटे हुए कांच को किस तरह से हम निकालें। क्योंकि यहाँ पे हमने टूटे हुए कांच को निकाला तो इसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया था यहाँ पे आपको वीडियो में आगे देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हमने इसे किस तरह से निकाला है। इसे निकालना, इसके ऊपर अगर टूट जाता है शीशा तो इसे निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसे बिल्कुल केयरफुली, बिल्कुल सावधानी से इसे निकालना पड़ता है। और मैंने इसमें जो शीशा है वो पहली बार ही चेंज किया, और वो भी वीडियो के सामने, मतलब कैमरे के सामने मैंने पूरा जो है शीशा पहली बार चेंज किया है। और लेकिन कॉन्फिडेंस मुझे पूरा था कि मैं इसमें शीशा चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले कभी इस तरह का मेरे पास में कंप्लेंट नहीं आई थी। लेकिन मैंने सोचा कि इसे कैमरे के सामने ही चेंज करूं और किस तरह का शीशा है ये भी मैं देखूं, क्योंकि मुझे भी डाउट था कि क्या पता शीशा इसका कुछ अलग टाइप का हो, अगर गर्म हो जाए तो तड़क जाता, क्योंकि अक्सर शीशे जो है गर्म होने के बाद में तड़क जाते हैं, फूट जाते हैं। तो इसका शीशा भी मैंने चेक किया और फर्स्ट टाइम चेंज किया है, और आप भी सीख लीजिए और मैं भी सीख गया हूँ। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए कि हमने किस तरह से इसे चेंज किया। बस इसमें और कोई समस्या नहीं है, सिर्फ शीशा ही हमने चेंज किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडक्शन का अगर शीशा टूट जाता है तो वो कैसे चेंज करें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मुझे करना चाहते हो कॉल तो उसके लिए आपको देखना होगा ये वाला वीडियो। इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख लीजिए, आपको उसमें पता चल जाएगा कि किस तरह से आप मुझे कॉल कर सकते हो। इंटरनेट कॉल नहीं, व्हाट्सएप कॉल नहीं, इनडायरेक्ट फ़ोन कॉल मुझे करोगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, इसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इस वीडियो की भी लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में दे रखी है, आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरह से हमने इसका शीशा चेंज किया, वो भी पहली बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं हमारे टेबल के ऊपर, और आपको जैसे कि नज़र आ रहा है कि ये रहा हमारा इंडक्शन, और इसे मैंने पहले ही से खोल के रखा हुआ है, और ये कीपैड जो है यहाँ पे लगा हुआ होता है तो इसे भी आपको खोल लेना है। तो ये खोलने के बाद में आपको इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना, अगर इस तरह से शीशा टूटा हुआ है तो आपको इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना। तो अब ये टूटा हुआ हिस्सा तो निकल चुका है, लेकिन साइड साइड में जो है ये चिपका हुआ है, तो अब इसे हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए आपको मैंने जो हैंड ग्लोव्स पहने हैं, इस तरह से आपको भी पहनना है। तो चलिए मैं इसे निकालता हूँ, और कैसे निकालना है ये आप देखिए। पहले तो मैं इसे साइड में रख देता हूँ, ये इसका काम नहीं है हमें, और इस कीबोर्ड का भी हमें काम नहीं है। इसे निकालते समय बिल्कुल आराम से अंदर से बाहर की तरफ पुश करना है, और ऐसे पुश करना कि ये शीशा निकले, ना कि ये प्लेट टूटे। अगर ये फाइबर की प्लेट टूट गई तो आपको ये भी नहीं लगानी पड़ेगी। तो बिल्कुल आराम से इसे निकालना, और निकालते समय याद रहे कि कांच आपके हाथ में या आँख में उड़ के ना लगे, इसलिए जो है बचा के बिल्कुल सावधानी से निकाले। तो ऐसे भी नहीं निकल रहा, तो चलिए अब इसे है हल्का हल्का हम गर्म कर देते हैं। हालांकि ये अगर गर्म होएगा तो शीशा फूट जाता है, लेकिन हम जो है फिर भी इसे हल्का हल्का गर्म करेंगे ताकि जो आसानी से निकल जाए। तो यहाँ हमारे पास में हीटिंग एयर की मशीन है, इससे हम निकाल रहे हैं। आपके पास में जो भी हो, हीटिंग एयर हो या गर्म करने की कोई भी चीज़ हो, तरीके से गर्म करके इसे आराम से निकालिए। तो चलिए ये इससे नहीं निकल रहा, मैं चश्मा लगा लेता हूँ, और उसके बाद मैं इससे ठोक ठोक के इसे आराम से निकालता हूँ।
फ्रेंड देखा आपने कि हमने किस तरह से इसका कांच निकाला। काफ़ी मुश्किल है इसका कांच निकालना। इस कांच निकालने के चक्कर में जो है ये यहाँ से और यहाँ से टूट गया, तो आपको सावधानी रखनी है। मैंने कांच निकाला, मैंने जब इसे हथौड़ी से यहाँ से मारने की कोशिश की थी तो ये यहाँ से और यहाँ से टूट गया। यहाँ से तो यहाँ तक क्रैक हो गया था, लेकिन यहाँ से पूरा ही अलग हो गया। तो हमने जो है इसे बॉन्ड से चिपका दिया। आप फेविक्विक से या बॉन्ड से चिपका सकते हैं। बॉन्ड वो होता है जो हम होर्डिंग वगैरह लगाते हैं, लोहे के पाइप के ऊपर बैनर चिपकाते हैं, वो होता है बॉन्ड। तो आप इसे बॉन्ड से भी चिपका सकते हैं या फेविक्विक से भी चिपका सकते हो। तो ये देखिए यहाँ और यहाँ यहाँ से क्रैक हो गया था, तो हमने चिपका दिया। अब क्या है कि जब हम इसके ऊपर ये शीशा लगा देंगे तो ये पूरा एक जगह फिक्स हो जाएगा, तो ये हिलेगा नहीं फिर इधर से। अब आपके दिमाग में ये है कि इसके ऊपर जो शीशा लगेगा वो कौन सा लगेगा और कहाँ से ख़रीदेंगे। तो देखिए ये है वो शीशा, और ये शीशा हमने कांच की दुकान से ख़रीदा है। इसमें 5 mm का शीशा है, हालांकि इसमें 4 mm का शीशा भी लगता है और 5 mm का भी शीशा लगता है। तो ये 5 mm का शीशा है, तो आप इसमें 5 mm, 4 mm और 3 mm लास्ट लगा सकते हैं। 3 mm से पतला इसमें शीशा ना लगाएं, ये ध्यान रखिए। तो 4 mm, 5 mm, 3 mm हम इसमें से कोई भी एक साइज़ का शीशा लगा सकते हो। तो ये शीशा मैंने कांच की दुकान से ख़रीदा है, कटवा के लाया हूँ, और यहाँ से किनार जो है इसकी तीखी होती है, ये घिसा के भी लेके आया हूँ ताकि ये तीखी ना लगे। और बस हमें इसके ऊपर इसे लगा देना है। और इसके ऊपर लगेगा कैसे, इसके ऊपर लगाने के लिए हमें चाहिए सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की हमने ट्यूब लेके आए, आपको मिल जाएगी बड़े आसानी से। हार्डवेयर की दुकान पे सिलिकॉन मांगोगे तो आपको आराम से मिल जाएगी। प्लाईवुड की दुकान पे या हार्डवेयर की दुकान पे आपको ये मिल जाएगी। तो ये 30 रुपये की एक ट्यूब है, और एक ट्यूब पूरी यहाँ पर काम आ जाएगी। इसके ऊपर एक आती है सिलिकॉन, बड़ी सी बॉटल आती है जिसके अंदर पीछे से गन होती है, और जब हम उसे प्रेस करते हैं तब वो सिलिकॉन बाहर निकलता है। तो वो वाली सिलिकॉन आपके काम नहीं आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो उसी की तरह ये छोटी ट्यूब है, बस इसे हमें काम में लेना है। तो अब इसे लगाना कैसे है, बस हमें यहाँ पे सिलिकॉन लगाना है, इसके ऊपर कांच रखना है, और कांच के ऊपर हमें वजन रखना है तकरीबन 1-1.5 घंटे तक, जिससे कि ये जो कांच है फिक्स हो जाए, और उसके बाद में हम इसे चालू करके देखेंगे। तो चलिए मैं जो है सबसे पहले इसे चालू करके देखता हूँ कि ये कांच इसके ऊपर काम करता भी है या नहीं करता है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ एक बार। तो फ्रेंड हम जो है ये फ्राई पैन लेके आया है जिसमें पानी रखा हुआ है, तो हम पानी को गर्म करके देखेंगे ये चल भी रहा है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे इसके ऊपर रख देता हूँ, और इसके ऊपर रखने से पहले हमें जो है यहाँ पे पीसीबी लगानी पड़ेगी। तो हम पीसीबी लगा देते हैं पहले, पीसीबी को हम बाद में वापस निकाल देंगे, थोड़ी देर के लिए हमें यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा इसे। तो फ्रेंड ये पीसीबी मैंने लगा दी, अब इसे यहाँ पर लगाते हैं। बस हम खाली ऐसे रख करके और ऐसे ही चालू करके देखेंगे कि ये चालू हो भी रहा है या नहीं। मतलब काफ़ी सारे मन में डाउट होते हैं कि हम जो नॉर्मल शीशा खरीदे कांच की दुकान से तो वो गर्म भी करेगा या नहीं करेगा, ये इतने सारे डाउट जो है हम सबके दिमाग में होते हैं। तो शुरू शुरू में जो है मेरे भी दिमाग में ये डाउट रहे हैं। तो चलिए इसे मैं क्लियर करता हूँ, इसे चालू करते हैं, हम प्लग इन करते हैं, इसे ऑन करते हैं, ये ऑन हो चुका है। तो इससे पहले वाला जो पतीला था वो काम नहीं कर रहा था, तो ये वाला पतीला रख के देखते काम करता है कि नहीं। इसे ऑन किया और ये हमने इसके ऊपर रख दिया, तो देखिए चालू हो गया। पहले वाला पतीला जो था वो काम नहीं कर रहा था, ये देखिए पानी गर्म होना शुरू हो गया। ये देखिए तो पानी जो है पूरी तरह से गर्म हो रहा है, मतलब ये है कि ये शीशा जो है आपका काम करेगा। इस पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये काम ना करे, और आप बड़े आराम से इसे जो है इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप ये डाउट जो था हमारे मन में ये क्लियर हो चुका है, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंडों के मन में ये डाउट हो सकता है क्योंकि ये शीशा काम करेगा या नहीं करेगा। तो अब एक डाउट और मन में सबके आता होगा कि ये जो शीशा है थोड़ा सा आर पार नज़र आ रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि ये आर पार नज़र आ रहा है तो आप इसके ऊपर ऑयल पेंट कर सकते हो, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का ऑयल पेंट इस पर कर दोगे तो ये जो आर पार दिख रहा है वो भी आपको नहीं दिखेगा। क्योंकि इससे पहले जो शीशा लगा हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ उसका टुकड़ा, ये वाला शीशा, इसके ऊपर भी एक पेंट चढ़ा हुआ है हल्का हल्का। तो इस तरह से जो है आप भी इसमें पेंट कर सकते हो, पीछे से कर सकते हो या आगे से कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप इसमें पेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो है इसे ऐसे ही लगाएंगे,
हम इसके ऊपर कोई पेंट नहीं करने वाले। तो चलिए अब इसे लगाते हैं। हम इसे कैसे लगाएंगे, हम इसी को इसी के ऊपर रखेंगे, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये घुमाव है थोड़ा सा इस तरह से। तो हम अगर इसे प्लेट को निकाल के शीशा लगा के अगर वजन रखेंगे तो ये बीच में से दब जाएगी, गैप आ जाएगा। तो इस प्लेट के ऊपर ही हमें इसे रखना है। अच्छे से फिक्स कर दो इस प्लेट के ऊपर इसे, ताकि हिले नहीं। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसको सिलिकॉन लगा के इसको बराबर फिक्स करके इसके ऊपर वजन रख देंगे, ताकि ये जो है घंटे दो घंटे में जो है सूख जाए। तो चलिए मैं लगाता हूँ सिलिकॉन और रखता हूँ इसके ऊपर वजन। अगर ये ऐसे जल्दी से नहीं निकल रहा तो आप इसमें एक काम कर सकते हो कि इसको पीछे से काटो और पीछे से निकालो। तो कई बार जो है ये इस तरह से भी आता है तो दिक्कत हो जाती है। तो ये हमने जो है सिलिकॉन यहाँ पे लगा दिया, और अब जो है इसे हम इसे शीशे को लगा देंगे बड़े ही ध्यान से और सावधानी के साथ। ये शीशे का जो साइज है ये चारों तरफ से बिल्कुल सेम है, 9.25 इंच बिल्कुल सेम साइज है। इसलिए तो ज़रूरी नहीं है कि इसे या ऐसे लगाएं, इसलिए मैं इसे लगाता हूँ और बिल्कुल सेंटर में रखेंगे इसके। और उसके बाद इसे जो है हम वजन इसके ऊपर रख देंगे जिससे कि ये फिक्स हो जाए। अच्छा, पेंट अगर करना हो तो ये लगाने के बाद भी इस ऊपर वाले ढक्कन को निकाल के आप बाद में भी इसमें पेंट कर सकते हो। और अब इसके ऊपर रख देंगे हम ये वजन। तो ऐसी एक और बैटरी रख देंगे इस तरफ से, ताकि ये जो फिक्स हो जाए। तो ये जो है हमने शीशा लगा दिया, इसके ऊपर वेट रख दिया, दोनों तरफ से बैटरी रख दी, बीच में हमने एक वजन रख दिया। अब ये जो है कि ये थोड़ी कम से कम घंटा डेढ़ घंटा लेगा सूखने में, तो ये टाइट हो जाएगा, बिल्कुल रबड़ के जैसे हो जाएगा नीचे से, जैसे कि हमने ये शीशा निकाला था वो भी रबड़। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप लोग काला ही सिलिकॉन लगाए, इसमें आप ये वाइट वाला भी लगा सकते हो, जैसा कि मैंने ये वाइट वाला लगाया। सामने से निकल नहीं रहा था इसलिए मैंने पीछे से काट के लगा दिया। तो आप इस तरह से भी वाइट वाला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें हमने लगा दिया, अब तकरीबन हमें एक से डेढ़ घंटा रुकना होगा और उसके बाद जो है हम इसे पैक करके कस्टमर के घर भेज देंगे। बस इतना ही इसमें करना था। और इस शीशे को लगाने के बाद अगर आप चाहो तो इसको निकाल के पीछे से आप इसमें पेंट कर सकते हो और वापस इसे फिक्स कर सकते हो। यदि आपको ब्लैक कलर का शीशा नहीं मिलता है तो आप वाइट कलर का शीशा लेके उस पर ब्लैक पेंट कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप वाइट कलर का शीशा लेके पीछे से ब्लैक पेंट कर दोगे तब भी आपका जो है ये काम चल जाएगा। और शीशे का साइज़ फिक्स टू फिक्स होना चाहिए, जो भी आपने साइज़ नापा है वो साइज़। और इसके जो किनोर होती है ये तीखी होती है, तो इसे मशीन से घिसा लें। अगर वो नहीं घिस के देते या उनके पास में घिसने का कोई ऑप्शन नहीं हो तो आप इस तरह से रेगमल पेपर ले करके उसके कोने जो है यहाँ पर आराम से इससे घिस सकते हो, खुद भी घिस सकते हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ये जो शीशा है इसे निकालना है और फिक्स करना है। और ध्यान रखिए कि टूटे हुए शीशे को निकालते समय बिल्कुल सावधानी से निकालना है, आपको गर्म कर करके आराम से निकालना है। और इतना भी गर्म नहीं करना है कि ये जो प्लास्टिक की बॉडी है ये ख़राब हो जाए। देखिए ये हल्की हल्की ख़राब हुई है, मैं गर्म कर रहा था। तो चलिए अब इंतज़ार करते हैं, इसे फिक्स होने देते हैं और इसे पैक करते हैं और फिर इसको कस्टमर के घर में पहुँचाते हैं। तो फ्रेंड ये हो चुका है कंप्लीट, और आपको यकीन नहीं होगा कि इसे सूखने के लिए पूरा एक दिन लगा, क्योंकि इससे मैं ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे हमने जो सिलिकॉन लगाया ये हल्का हल्का अभी मुलायम है, लेकिन ये अब सूख चुका है बिल्कुल पूरी तरह से। मैं इसको आपको कनेक्टर निकाल के दिखाता हूँ, ये देखिए ये पूरी तरह से सूख चुका है। ये सिलिकॉन जो है अभी भी हल्का हल्का गीला है, ये नरम है, स्मूथ है, तो ये तो रहेगा ही, लेकिन आपका जो शीशा है वो निकलेगा नहीं। अब जो मजबूती आ चुकी है इसके अंदर, तो पूछे पूरा एक दिन लगा। और एक दिन इसलिए लगा क्योंकि हमारे यहाँ पे धूप ही नहीं निकली, पिछले 8 दिन से धूप नहीं निकल रही है, और कभी बारिश हो रही है, कभी नमी का मौसम है, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, इस वजह से जो है इसे सूखने को टाइम लगा। तो अगर आपके पास में भी अगर बारिश का मौसम या नमी है या कुछ भी हो सकता है, तो उसमें सिलिकॉन लगाने के बाद में इसको काफ़ी टाइम लग सकता है सूखने के लिए। तो ध्यान रहे कि आप इसको सिलिकॉन लगाने के बाद में इसके ऊपर गर्म एयर मत मारें, अगर बहुत ज़्यादा गर्म एयर मारेंगे तो ये शीशा फूट सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि कहीं शीशा ये गर्म होकर के इसके ऊपर फूटेगा तो नहीं, ना इसके ऊपर नहीं फूटेगा, क्योंकि आप इस पर कोई भी बर्तन रखेंगे, बर्तन में जो सामान होगा
वही गर्म होगा, ये कांच को गर्म नहीं होने देगा। हल्का फुल्का आपको कांच गर्म लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा। इसके ऊपर जो कांच था वो भी इसी तरह का था और हमने भी जो कांच लगाया वो भी उसी तरह का लगाया है। कांच टूटने का कारण था, ट्रैवलिंग में ये लेके गए थे, आने जाने में कहीं पे ये टूट चुका है, बस इतना ही कारण था कांच टूटने का। बाकी जो है सारा काम यहाँ पे परफेक्ट हो चुका है, बढ़िया तरीके से हमने शीशा लगा दिया। अब जो है हम इसे पैक करेंगे, तो आपको एक बार पैक करने से पहले दोबारा चला के दिखाता हूँ। आपको पैक करने से पहले यहाँ पे थर्मल ग्रीस यहाँ पे लगा लेना है, तो चलिए मैं एक बार थर्मल ग्रीस यहाँ पे लगा ही लेता हूँ और इसे चालू करके देखते हैं हम। तो ये देखिए ये चालू हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं रखता हूँ बर्तन, पहले ऑन करते हैं। ये ऑन हो गया, E0 लिखा हुआ आ रहा है, जैसे बर्तन रखेंगे गायब हो जाएगा। तो देखा आपने कि इसमें जो है पानी गर्म होने लग गया। तो देखा दोस्तों हमने किस तरह से इसका शीशा चेंज किया, आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। और पहली बार चेंज किया तो मैंने इसे जो है साइड से तोड़ दिया, लेकिन उसे भी हमने चिपका दिया और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं ये शीशा चेंज कर सकता हूँ। मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं ये शीशा बिल्कुल आराम से चेंज कर सकता हूँ। और इसे चेंज करते समय अब मैंने काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल किया, लेकिन लास्ट में ये शीशे के जो टुकड़े जो साइड में चिपके हुए थे वो हमने गर्म करके ही निकाले। उसके अलावा उसमें कोई दूसरा उपाय नहीं था कि वो उसे हम बिना गर्म करे निकाल सके, तो गर्म करके ही हमें निकालना पड़ा। और आप भी इसे गर्म करके जब निकालो तो बिल्कुल सावधानी से निकालिए कि इसकी बॉडी ना जले। अगर इसकी बॉडी जल गई तो ये पूरा की पूरी बॉडी ख़राब हो जाएगी और दूसरी बॉडी जो है आसानी से नहीं मिलेगी। अगर आपके शहर में स्पेयर पार्ट की दुकान है जहाँ पे छोटे छोटे स्पेयर पार्ट मिलते हैं तो वहाँ पे बड़े आसानी से मिल जाएगी, लेकिन बहुत मुश्किल है इसकी बॉडी मिलना। तो इसलिए जब भी इसका शीशा टूटे तो उसके शीशे के टुकड़े जो है आप निकालो तो बड़े आराम से और बिल्कुल तहजीब से निकालिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए, आराम से निकालिए। मैंने भी काफ़ी आराम से निकाला है, बीच बीच में वीडियो को कट कट करके मैंने जोड़े हैं, लेकिन मैंने निकाल ही लिया आखिर में। तो आया फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे है लाल बटन सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबाइए घंटी का बटन ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो देख सको सबसे पहले। और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए जहाँ पर भी आप शेयर करना चाहते हो। देखिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब के बदले में आपसे कुछ नहीं मांगता, उसके बदले में आपके लिए इतनी मेहनत करके इतने अच्छे अच्छे वीडियो और कुछ सिखाने की ही कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ इतना तो हक मेरा बनता ही है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।